संजौली मस्जिद विवाद को लेकर एमसी आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। संबंधित जेई और वक्फ बोर्ड को फटकार लगी। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है। जेई को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई को फटकार मिली है और मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है। वक्फ बोर्ड और जेई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनने को एप्लीकेशन दी गई है। संजौली लोकल रेजिडेंट हिंदू संगठन के एडवोकेट जगतपाल ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह सरकारी है, वक्फ बोर्ड इसमें अतिक्रमणकारी है। लोकल रेजिडेंट की ओर से अदालत में एक और एप्लीकेशन दी गई है जिसमें कहा गया कि मस्जिद के कारण क्या क्या परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से भी जवाब मांगा है। 2.5 मंजिला मस्जिद 5 मंजिला कैसे हो गई, इस पर भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा गया है। संजौली हिंदू संगठन के एडवोकेट ने निर्माण में एक मास्टरमाइंड की बात कही है जो बाहरी राज्य का बताया जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने बताया कि एक मंजिल के निर्माण की उनको जानकारी है, लेकिन उसके बाद बनी 4 और मंजिल किसने बनाई इसकी उनको भी जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अपील की है कि मस्जिद को गिराया ना जाए और इसका नक्शा पास किया जाए। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में भी एक मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसके बाद किसने निर्माण किया इसकी उनको जानकारी है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला आए और उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और मंजिल मस्जिद के बना दिए। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को न गिराने की कोर्ट में अपील की है। कोर्ट के आदेशों के बाद देखना होगा कि स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों का निर्णय को लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि लोगों ने एक सप्ताह के भीतर मस्जिद को न तोड़ने की स्थिति पर खुद मस्जिद को तोड़ने की बात कही है, लेकिन कोर्ट से मामला अब 5 अक्टूबर तक लटक गया है। सर, मेरा नाम जगतपाल है और मैं यहाँ पे पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज जो मस्जिद मामले को लेकर की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? सर, ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं, लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है, और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद। तो हमारा यही कहना है कि एनक्रोचमेंट को लेकर के हम किसी संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, और हमने अपनी 20 पेज की एप्लीकेशन में कहीं पे भी हिंदू और मुसलमान शब्द का हमने यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। वो किसी की भी हो वो टूटनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ द एमसीज, क्योंकि जब एक लेमैन कोई लीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका भी टूटता है। अगर टूटे ना तो उससे पहले उसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो अभी तक इस केस में नहीं हुआ है। उसमें क्या कहा है और 5 तारीख की डेट दी गई है उसमें? सर, 5 तारीख के लिए जो वक्फ बोर्ड ने आज जो जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन होगा, और जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से जो हमने दलीलें रखी हैं और जो हमने जो अपनी जो एप्लीकेशन 20 पेज की दायर की है उसके ऊपर जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन जो है हमारी इस केस की प्रोसीडिंग जो है कंक्लूड हो जाएगी। सर देखिए, हमने कोई ऐसी गतिविधि नहीं लिखी है जो किसी भी कम्युनिटी को लेकर के स्पेसिफिकली हो। हमने कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू ये करता है मुसलमान ये करता है। हमारा जो ग्रीवांस है वो सबके लिए है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों के लिए है। कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे और इशू है, हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में।
कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है, उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या कुछ मांगा गया है अगली हियरिंग के लिए? अगली हियरिंग के लिए तो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई जेई कंसर्न से, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसको एग्जामिन करने के बाद हम रिप्लाई फाइल करेंगे। क्या जो ये बहुमंजिला मस्जिद बनी है इसको लेकर कोर्ट में क्या कहा गया? जो तीन मंजिल की बात हो रही है कि तीन मंजिल अवैध बनाया गया, जो अवैध की बात है वो तो कोर्ट में सब ज्यूडिस है, अभी तो कोर्ट उसका निर्णय देगी कि अवैध है या अवैध नहीं है, इस बारे में तो कोर्ट अभी निर्णय देगी। नमाज जारी रहेगी जो पीछे ऐसा कुछ आदेश हुआ है कि उसके, मैं तो आपको कोर्ट से डेटेड बता सकता हूँ, नमाज से डेटेड मैं नहीं बता सकता, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। कोर्ट ने पहली बार एसपी बक्र बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे और पेश हुए, हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है, उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या कुछ मांगा गया है अगली हियरिंग के लिए? अगली हियरिंग के लिए तो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई जेई कंसर्न से, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसको एग्जामिन करने के बाद हम रिप्लाई फाइल करेंगे। क्या जो ये बहुमंजिला एक्स प्रधान संजोली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ नेगी और मैं भारत के बाद प्रधानी छोड़ दी थी वहाँ पे मस्जिद में, अब उन्होंने एक लोकल कमेटी गठित कर ली थी कुछ बाहरी राज्यों के लोगों ने, अब जिसकी वजह से आज ये सारा एपिसोड हुआ है। ये जो मस्जिद है कब की है? ये मस्जिद तो 47 से पहले की रेवन्यू रिकॉर्ड जो है आज वक्फ बोर्ड वालों को प्रोवाइड कर दी है। ये बोर्ड जो मस्जिद की है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसकी तो कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। लतीफ जी, आप ढाई मंजिल के बाद आपके पास कितने साथ आए यहाँ पे और कितनी जो मंजिल यहाँ पे है वो भारत से राज्य से जो लोग एक लोकल कमेटी गठित कर ली और ये बनाते रहे फिर? नहीं बनाते रहे तो क्या ऊपर के दो फ्लोर इलीगल है आप लोग मानते हैं? ये तंग सीन देखना था हमारा, लेकिन आपको नोटिस सर्व हुए थे कि नहीं? मेरे को हमारे को नोटिस लीम के नाम आते हैं, हमारे को नोटिस नहीं आते सर, कोई लिखा मेरे को तो फर्स्ट 2012 के बाद प्रधान नहीं, मेरे को तो आज ही नोटिस भेजा उन्होंने, तब मैं कोर्ट में 2010 से मामला चल रहा था। 2012 से पहले कैसी थी मस्जिद? पहले कच्ची मस्जिद थी 2012 से पहले तब प्रधान दिया, तो हमने नक्शा दिया, एमसी को नक्शा भेज दिया था और उसमें कोई गलतियां रही होनी क्या रही होनी, और नोटिस जो एक्चुअली एमसी की सब गलतियां तो नहीं की, उन्होंने नोटिस जो है उसको सलीम को इशू करना शुरू कर दिया, और वो सुशील आर्किटेक्ट था आर्किटेक्ट जी थे, उन्होंने नक्शा सबमिट किया मस्जिद में एमसी में, उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो है नहीं था उन कमेटी में, तो क्या हुआ क्या नहीं उसके बाद ये लोग नोटिस ही नहीं कोई आया उसके बाद, फिर वो कोई नोमिनेट को आज फर्स्ट टाइम नोटिस आया एमसी का। कंस्ट्रक्शन की गई, परमिशन ली गई? हाँ, तो पुरानी मस्जिद थी, आज की मस्जिद नहीं है, उसके लिए वो पुरानी मस्जिद आज की मस्जिद नहीं हो, वो एमसी में भी रिकॉर्ड आज एमसी को दे दिया गया और रिकॉर्ड मस्जिद वक्फ बोर्ड की थी, वक्फ बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड दे दिया एमसी में, सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया। क्या क्या जवाब में? जवाब मेरे को उसका ज्यादा पता नहीं सर, वक्फ बोर्ड ने जवाब जमा कर दिया एमसी में। मस्जिद के साथ मेरे को नोटिस दिया, मेरे को बोला प्रधान के अलावा कुछ है, तो मैं प्रेयर करने जाता हूँ। लतीफ जी, जिस आपने कहा कि बाहरी का ये मानना है, गलती तो किसी न किसी तो है ही ना सर, बोला अब जब ने गलती की तो भुगतनी पड़ेगी सबको। अवैध निर्माण हो रहा था क्या उस वक्त आपने? शिकायत तो जब नोटिस आ रहा था, वो शिकायत की समय जब एमसी नोटिस दे रही थी बार बार उनको लोगों को, कार्रवाई होनी चाहिए अगर गलत हुआ तो होनी चाहिए, बाकी एमसी देख रहा है। मैं स्टेट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश का बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन नाम है मेरा, और आज मामला लगा है, क्या कोई रिकॉर्ड मांगा गया है? नहीं, आज हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने, आज समन किए गए थे, तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। क्या कुछ फाइल किया, क्या कुछ कहा गया? रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ही किया गया जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था, रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही, स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पंजाब यहाँ था क्योंकि 1970 हिमाचल प्रदेश हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया, तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था,
तो इसमें TCS हैं बराड़ साहब, उनको जो है TCS को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उनकी टीम ने सर्वे किया और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इसी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15 अगस्त 1970 को इसका गजट कर दिया कि जो जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें ये प्रॉपर्टी भी एक है। बातें उठ रही थी कि ये सरकारी जमीन है, वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्यूट ये नहीं है इसमें, डिस्प्यूट इसमें ओनरशिप का कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 1947 से पहली एंट्री या 40 1945 की जमाबंदी में भी मस्जिद है थी, 1907 की जमाबंदी यहाँ पर अभी मिलती है, अवेलेबल होती है हमारे हिमाचल शिमला में, तो 1907 की जमाबंदी में भी ये मस्जिद गैर मुमकिन मस्जिद भी थी है। और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया वो इसकी डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई, ये डिस्प्यूट है, तो वो आज कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है और डिस्प्यूट ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किस लिए है कैसे है। दूसरा ये कहें कि रिप्लाई आज 14 साल बाद हो गया, तो बोलने फिर यहाँ पर क्यों हुआ है इस बारे में बता सकते हैं? इसमें हमारे को 2023 में MC शिमला की तरफ से नोटिस रिसीव हुआ था कि आप अपना पक्ष रखें इसमें, तो हमने उसमें इससे पिछली हियरिंग में अपनी रिप्लाई दी थी इनको, और फिर उसके बाद दोबारा समन आया और फिर आज और रिप्लाई हमने डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक आज फाइल की। पहले की अगर बात करें तो कितना मुमकिन था और आपको? नहीं, ऐसा है कि बाहर से लोग हर स्टेट में आते जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं, हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं, तो उस हिसाब से नमाज पढ़ने वाले जो हो गए लोकल लोग वहाँ पर थे, तो उनको एक हमारे को अप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारी कमेटी एक वहाँ पर गठित कमेटी है, हमारे को MAC दी जाए, हमने इसको भारत से भी कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नमाज पढ़ने ज़्यादा हो गए हैं और नमाज के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, तो वक्फ बोर्ड ने विद कंडीशन उनको MAC दे दी थी कि आपकी कोर्स ऑफ लॉ MC शिमला TCPC नक्शा पास करवा करके सर्वे कंस्ट्रक्शन करें अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे, ये हमारी कंडीशन थी। ये हमारी कंडीशन जहाँ भी MAC डिपार्टमेंट देता है तो उसमें होती है, हर उसमें होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप गलत काम करो, गलत काम के लिए नहीं है बच्चे। तो आपका क्या ये तो मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, अब ये कोर्ट को देखना है कि ये गलत हुआ या सही हुआ है, बाकी जो MC शिमला की टीम है नीचे की कमिश्नर साहब से नीचे की, वो देख रही है इसको गहनता से, तो वो फर्दर है इसमें आ जाएगा सामने। नमाज अभी होती रहेगी इस मस्जिद में? नमाज उसमें मस्जिद पहले भी थी, नमाज के लिए आते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी तरह का इस तरह का उल्लंघन न चाहें, और किसी लोकल लोग वहाँ पर लोकल घर भी हैं वहाँ पर लोकल रेजिडेंट है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं जो कि गैर मुस्लिम ही किराएदार हैं बेचारे, तो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी आप किसी को भी इस तरह की वो ना करें, और सारे हैं क्योंकि हमारा 95% टेनेंट्स हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम ही है, मुस्लिम भाइयों के अलावा दूसरे भाई हैं जो वो भी भाई हैं हमारे, तो इसमें ऐसा डिस्प्यूट कुछ नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, बुद्ध पारसी है, ऐसा डिपार्टमेंट में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा एक सवाल और अंदर जो कोर्ट के अंदर यहाँ पे तरीन अंदर रखी गई है, उसके बारे में जब डिपार्टमेंट को यही पता नहीं है, मतलब जब ये पता हमारे को नहीं है कि भाई हमारे जो है कैसे कंस्ट्रक्शन है कुछ हुई, तो जब MC डिपार्टमेंट ने MAC दे दी थी, तो उसके बाद वो हमने ये ओन कॉस्ट रिस्क पे दे दी थी कि भाई आप ही इसका खर्चा बियर करेंगे, उसमें स्पेशल है कि इसके लिए डिपार्टमेंट ही पैसा देगा, तो वो उन्होंने नक्शा पास करके अपने चैरिटेबल जो डोनेशन आता है लोकल पब्लिक का आता है वो डोनेशन से ऐसे बनाने थे उन्होंने। हाँ जी, ठीक है।